तो गिरगिट कैसे खा रही है अंडे को। तो अंडा फूटने के बाद यही होता है भाई एकदम। गुड मॉर्निंग भाई लोग, क्या चाल है? तो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि हमारा जो कबूतर है, ठीक है, फेंटल, वो देखे थे आप लोग के अंडा दिया था, तो वो दूसरा अंडा भी दिया। और दूसरा अंडा देने के बाद क्या हुआ, जो अंडा जो है वो एकदम कमज़ोर था, ठीक है, एक का जो एकदम होता है ना लूज टाइप का, उस टाइप का अंडा दिया था यार। तो एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि नाखून तो है इस लोग का बड़ा बड़ा, तो हम जैसे ही यार ऐसे कबूतर मेरा कहाँ कहाँ घूम रहा है भाई, ये देखो गिरवाज हमारे भाई। तो हमारा एक ये भी है कि गिरवाज हमारा पलटी मारना शुरू कर चुका है, इसको हम देखे थे और कल पलटी मारते हुए हल्का हल्का भी स्टार्ट किया है, तो भगवान करेगा तो आगे चल कर अच्छा खासा पलटी ही मारेगा, ठीक है। तो अभी हुआ कि ये है कि अंडा मतलब एकदम लूज था, स्टिफली लूज मतलब पूरा एकदम रबर के तरह अंडा था, तो उसमें नाखून लगने के कारण पहले हम इसको दाना दे देते यार। आ उसमें हुआ ये कि नाखून लगने के कारण जो ना वो अंडा फट गया और अंडा पूरा बर्बाद हो गया। हम जब आए ऊपर में तो देखे बड़ा अजीब सा फील हुआ यार कि इसका तो अंडा बच ही नहीं पाता है। तो अभी इसका एक अंडा बचा हुआ है, तो हम वो सोच रहे हैं कि हमारा जो फॉस्टर का अंडा है इसका हम अंडा उसके साथ एक्सचेंज कर दें, उससे ये होगा इसका तो एक अंडा रहेगा। तो हम अभी क्या करते हैं इसको रुको दिखाते हैं। अभी तो हम वो अंडा फेंक दिए हैं। अरे यार रुको रुको यार, बच्चा को गिरा देगा। ए देखो यार बहुत बहुत बदमाश हो गया ये। चलो नीचे चलो, इसको परेशान मत करो, चलो नीचे चलो चलो। चला गया भाई नीचे। हम दिखाते हैं वो अंडा इधर फेंके हुए थे, देखिए ये क्या कांड हो रहा है भाई। गिरगिट को देखो यार, वो अंडा लेके क्या कर रही है, देखो ये देखो, यही हमारा लखा का अंडा गिरगिट अपना मुंह में डाले हुए, देखो देखा। तो भाई यही अंडा था एकदम पतला सा लूज, देखो गिरगिट कैसे खा रही है अंडे को। तो अंडा फूटने के बाद यही होता है भाई, एकदम पतला सा लूज अंडा था तो वो गिरगिट निगल रही है, देखो यार कैसे यार भाई क्या क्या सीन होता है यार। अरे लग तो तुरंत तुरंत दाना ख़त्म कर रहा है, पहले इसको तो भर के दे देते हैं, रुको दिखा भी नहीं पा रहे हैं, अंडा भी चेंज करना है। आ आ आ आ आ, आ। अब देखो ज़्यादा दे भी दे तो खाएगा नहीं ज़्यादा। आ आ आ लो, आ आ भाई भर के दे दिया। आ आ अब सब खाएगा, अब चलते हैं आपको नीचे ले अंदर लेके। तो ये वाली जो हमारी फीमेल, ये तो बहुत ही अच्छे से अंडा सेकती है, और ये बच्चा भी देखो यार भूख लगा है इस लोग को यार, पता नहीं क्या होता है। तो भाई जल्दी से पहले इसका अंडा एक्सचेंज कर देते हैं। देखिए एक अंडा तो ठीक निकाला था, एक अंडा एकदम लूज वाला था जो कि आपने देखा ही। तो तीनों अंडा हम इसके अंदर डाल दें क्या? नहीं तीनों नहीं डालेंगे भाई, ये देसी के अंडा से तो बड़ा ही अंडा है भाई, ये इसके अंडा से बहुत बड़ा है। इसका अंडा हम एक इधर से निकाल के और इधर डाल देते हैं, ठीक है, या फिर हम नहीं भाई तीनों अंडा इसी में रहने देते हैं, तीनों अंडा इसी में डाल दिए, इसी में देखते हैं क्या होता है। तीनों अंडा इसमें डाल दिए हम, तो अभी तीनों अंडा मेरा देसी सेकेगा, देखते हैं इस बार। वैसे ही किस्मत ख़राब ही है तो वैसे ही सही, कम से कम देखते हैं एक चांस दूसरा बार कहीं अंडा दे फिर से, क्योंकि ख़राब हो गया देख रहे होंगे। मेल से ही हमको लगता है फूटा है, क्योंकि मेल का देखिए नीचे का कैसे भीगा हुआ है, देखो दिख रहा है ना हल्का हल्का आपको कैसे पूरा भीगा हुआ है, देखो मेल का अंडा की वजह से ही पूरा भीगा हुआ है, सूख गया होगा टाइट। तो ये हो रहा है, ये ला के तीसरा बार इसका अंडा ख़राब हुआ, पता नहीं क्या है इसकी किस्मत में भाई, एक भी बच्चा नहीं हो पा रहा। खैर छोड़ो जाने दो, अब दे डाल दिए तीनों अंडा, वही सेकेगा जो होगा देखा जाएगा। और अभी अभी हम एक चीज़ देखे हैं, हमारा जो ये वाला न्यू फीमेल आई थी जो कि येलो बार वाले से लगा हुआ है इसका जोड़ा, ये वाले मेल से हमारा सिराजी का जो मेल है मोटा वाला उसके साथ जो लगाए हैं, तो वो मेल अभी रनिंग पे था, फीमेल को दौड़ा रहा था, तो देखते हैं वो भी हो सकता है बहुत ही जल्द अंडा दे दे वो भी, ठीक है। तो दाना भाई फिर ख़त्म। आ आ आ
तो सब खा रहा है। तो भाई फाइनली अंडा एक्सचेंज कर दिए हैं, अब देखते हैं फीमेल जाके अंदर बैठती है कि नहीं बैठती है, बैठ ही जाएगी। बाकी अगर उधर सबको दे दिए हैं दाना तो सब खा ही रहा है, अभी आराम से खा रहा है। और हमारा जो ये वाला पेयर है, कहाँ गया ये वाला पेयर, इसका बच्चा ये भाई, ये वाली जो फीमेल, इसका बच्चा ये बहुत कमज़ोर है, अभी हम देखे हैं, पता नहीं क्या होगा यार। आजकल के कबूतर लोग को समझ में ही नहीं आ रहा, बच्चा ही नहीं पाल पा रहे ठीक से, इससे अच्छा भाई देसी होता है यार। चलो जो भी होता है देखते हैं, मेरे पास तो उस टाइप का देसी है भी नहीं जिससे हम बच्चे पलवाएं अच्छे से। खैर जो भी है उसी में, अभी अंडा निकाल दिए, ये जाएगा तो फिर तो कोई फ़ायदा है नहीं, फिर से ये लोग क्रॉस करेगा, फिर से अंडा देने के लिए रेडी होगा, फिर से अंडा देगा, देखो क्या होता है भाई। कबूतर सब बहुत ही उड़ रहा है, पता नहीं किसका उड़ रहा है, देखो वो दो पता नहीं किसका है, अभी लग गया उसके साथ में, रेड वाले के साथ में। खैर जिसका भी हो भाई, हमको क्या लेना देना, हमारा खुद का कबूतर नहीं बच पा रहा, क्या करें। तो यार अभी एक कबूतर लाने वाले थे, सोचे थे फेंटल लेके आते हैं, लेकिन भैया से बात किए तो भैया बोले कि मेल है, कोई फ़ायदा है नहीं, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना मेल है। तो हम बोले हाँ वो बात तो है, तो इसलिए नहीं लिए हैं कुछ। और देखो यार कबूतर का अंडा गिरगिट खा रही है भाई, क्या ही दिन आ गया है। और क्या यार, बोलने का मन ही नहीं करता अभी, ऐसा सा कांड होता है यार। चलो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो यार सपोर्ट करो, लाइक करो यार, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।